मास्टरमाइंड रॉकी की रिमांड बढ़ा दी गई है, 3 दिन की ये रिमांड रॉकी की बढ़ाई गई है। रॉकी की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई, पहले 10 दिन की रिमांड पर था रॉकी, अब 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मास्टरमाइंड रॉकी की रिमांड को बढ़ा दिया गया है, 3 दिन की रिमांड रॉकी की और बढ़ा दी गई है। पहले 10 दिन की रिमांड पर था रॉकी, लेकिन अब उसकी 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। रॉकी की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई, इस दौरान उसकी 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई। और देखिए, पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है, एम्स के स्टूडेंट को लेकर खुलासा हुआ है। बता दें आपको, हजारीबाग में ही हल किया था प्रश्न पत्र, पटना और रांची से हजारीबाग पहुंचे थे 5 सॉल्वर। 4 मई की रात को प्रश्न पत्र मिल गया था, उत्तर का पीडीएफ बनाकर रॉकी ने भेजा था। पटना में चिंटू के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानों पर भी भेजा गया था और कारनामे में सेठरू ने अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई सेठरू की अब तलाश कर रही है। पटना एम्स के चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन के साथ रिम्स की छात्रा सुरभि हजारीबाग पहुंची थी। हजारीबाग में नीट के बनाए गए परीक्षा केंद्र ओएसएस स्कूल से यहाँ के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन की अंदरूनी मिली भगत से 4 मई की रात को ही प्रश्न पत्र निकाला गया था। देखिए, प्रश्न पत्र के बॉक्स से पंकज कुमार उर्फ आदित्य ने सफाई से इसकी चोरी की थी, जिसमें राजू सिंह ने उसकी मदद की थी। पंकज के एक अन्य मददगार सुरेंद्र शर्मा का नाम भी पूरे प्रकरण में प्रमुखता से सामने आया है। फिलहाल सभी संदिग्ध गिरफ्तार हैं और सभी से पूछताछ चल रही है। और पूर्णिया में फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। अपर समाहर्ता ने बताया है कि पूर्णिया में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में युवकों को पकड़ा गया है जो दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे थे। खास बात यह है कि गिरफ्तार मुन्ना भाई खुद एक शिक्षक है, इसके बावजूद वह दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा था। वहीं दूसरा युवा का उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी 4 युवक फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे। अब तक कुल 6 मुन्ना भाई पूर्णिया से पकड़ चुके हैं। जहानाबाद में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर 2 लोगों को शक के आधार पर पूछताछ के लिए लाया गया, जिसके बाद एडमिट कार्ड की जांच करने पर एडमिट कार्ड फर्जी निकला। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच चल रही थी, उसमें 2 अभ्यर्थी पकड़े गए, दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे। कहाँ के थे लोग? एक तो अरवल बता रहे थे। कैसे पहचान हुई? पहचान है उनकी, एडमिट कार्ड वगैरह देखा गया तो स्कैनिंग वगैरह से। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल पटना पहुंचे। विकी कौशल एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। के डाक बंगला चौराहे पर विकी कौशल को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान विकी कौशल भी तमाम लोगों का अभिवादन करते नजर आए। साथ ही विकी ने अपनी फिल्म के गाने पर डांस किया। तौबा तौबा गाने पर विकी कौशल जमकर थिरके। विकी कौशल ने पटना के लोगों के जोश की भी तारीफ की। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही।